बस लोन पर कैसे लें? क्या हम बस लोन पर ले सकते हैं? देखिए मैं आपको बता दूं कि बस लोन पर लेने के सबसे आसान तरीका के बारे में हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो अंत तक वीडियो को देखते रहिए। देखिए हम आपको शुरुआत में ही बता देते हैं कि पूरी YouTube पर यह एकमात्र पहला वीडियो है जहां पर बस लोन पर कैसे लें इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इसके अलावा आप पूरी यूट्यूब पर जाकर ढूंढ सकते हैं बस लोन पर कैसे लें, इसके अलावा कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा। तो आपसे मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास समय है तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर पूरा देखें, और यदि अगर आपके पास समय नहीं है या स्किप कर करके आप बढ़ा कर देखना चाहते हैं तो आप इसी वक्त इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। मैं आपको दावे के साथ यह जरूर कह सकता हूं कि इस वीडियो की दी गई जानकारी अगर आप मिस करते हैं तो आप बस लोन पर कभी नहीं ले सकते। इस छोटी सी वीडियो में हम जानेंगे कि बस लोन पर कैसे लें, बस लोन पर लेने के लिए हमें कौन कौन से क्राइटेरिया को पूर्ण करना होगा, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए तथा बस लोन पर लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट एंड दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, इसके साथ ही साथ क्या बस का फाइनेंस कराकर लोन पर रखकर हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, इसके अलावा ही क्या बिजनेस शुरू करना लोन लेकर बेहतर होगा, क्या प्रोसेस है, लोन कहां से लें, और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, हमें डाउन पेमेंट कितना करना होगा, बस लेने के लिए हमें डाउन पेमेंट कितना करना होगा, इन सारे महत्वपूर्ण सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। देखिए इस वीडियो का पर्पज हमें शुरुआत में ही पता चल गया है कि बस लोन पर कैसे लें, इसी को विस्तार से इस वीडियो के अंदर समझना है। तो देखिए शुरुआत करने से पहले ही इस वीडियो को जल्द से जल्द कर दीजिए एक लाइक, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर के माइलस्टोन को कंप्लीट कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल है कि क्या बस का फाइनेंस कराकर लोन पे लेकर बस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं? तो देखिए मेरा जवाब है कि आप बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। आप चाहे बस का फाइनेंस कराकर या लोन पर लेकर आप बस के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम पे ऐसे बहुत से व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने अपना व्यापार, अपना बिजनेस लोन लेकर शुरू किया हुआ है। हाल ही में बहुत ही ज्यादा फेमस नेम के बारे में बता देता हूं, एक एग्जांपल से समझते हैं, गौतम अदानी सर, इन्होंने अपना बिजनेस लोन लेकर शुरू किया हुआ है और आज के टाइम पे वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन में इनका नाम शामिल है। तो आप इनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि लोन लेकर भी बिजनेस शुरू करना कोई गलत बात नहीं है। आप लोन लेकर EMI पे पे करके आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या बस लोन पर लेकर बस बिजनेस शुरू करना बेहतर होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोन पर लेकर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बस बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो यह तभी बेहतर होगा जब आपका वास्तव में बस बिजनेस का जो प्लान है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और इसके अलावा एक अच्छी रूट का चुनाव होना चाहिए जहां पर लगातार भीड़ भाड़ बनी रहे ताकि आपका जो लोन है वो समय पे चुकाया जा सके। इसके अलावा पूरी ईमानदारी के साथ आप इस बिजनेस में दिलचस्पी के साथ लॉन्ग टर्म तक काम करने के लिए क्षमता रखते हो तो आप बस लोन पर लेकर आप बस बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर बात करेंगे, बस लोन पर कैसे लें। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बस लोन पर लेने के लिए सबसे पहले आपको संबंधित शोरूम में विजिट करना होगा। आप जिस भी कंपनी, टाटा, महिंद्रा, आयसर, जिस भी कंपनी का बस लेना चाहते हैं, चेचिस लेना चाहते हैं, उसे संबंधित शोरूम में विजिट करना होगा। और विजिट करने के बाद आपको कितने सीटर का लेना चाहते हैं यह आप बस का चुनाव करना होगा। शोरूम में बस का चुनाव करते वक्त आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर ध्यान देना होगा कि आप शोरूम द्वारा यानी कि कंपनी द्वारा बनाई गई बस परचेस करना चाहते हैं या आप चेचिस इंजन लेना चाहते हैं। देखिए अगर आप शोरूम द्वारा यानी कि कंपनी द्वारा बनी बनाई बस लेना चाहते हैं तो आपको शोरूम द्वारा कोटेशन की जरूरत पड़ेगी, और नहीं अगर आप चेचिस इंजन लेना चाहते हैं तो यहीं पर आपको बाहर में बॉडी बिल्डिंग करानी होगी। तो यहाँ पर आपको शोरूम तथा बॉडी बिल्डर्स दोनों जगह से कोटेशन लेना होगा। कोटेशन होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए कोटेशन होता है एस्टीमेट प्राइस, कि आखिर इस गाड़ी की, इस बस की प्राइस कितने होने वाली है, इसका एक पूरा जोड़ घटाओ जो होता है इसे कोटेशन कहा जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि बस हम लोन पर कहाँ से लें। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे यहाँ पर प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। आप प्राइवेट बैंक एंड गवर्नमेंट बैंक दोनों में से किसी बैंक का सहारा ले सकते हैं। ज़्यादातर मेरे हिसाब से, मेरा अनुभव है कि आप गवर्नमेंट बैंक का सहारा लें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एक से बढ़कर स्कीम चलाई जाती है तो आप इनका भी फायदा उठा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना,
इसका आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। इसके द्वारा भी आपको लोन प्रोवाइड कर दी जाती है, जो आप यहाँ से लोन लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं कि बॉस लोन पर लेने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट एंड दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, इनकी एक बार हम लिस्ट जान लेते हैं। जो भी व्यक्ति बॉस लोन पर ले रहा है उस व्यक्ति का डॉक्यूमेंट की बात करें तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोज, वोटर कार्ड, परिचय पत्र और इसके अलावा ही इनकम प्रूफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, चेकबुक, बैंक पासबुक, इन दस्तावेजों की आपको जरूरत पड़ने वाली है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर हम यहीं पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर आपकी नौकरी है, जॉब है, तो यहाँ पर आपको सैलरी स्लिप पेश करना होगा। इसके अलावा अगर आपके पास बिजनेस है तो आपको ITR भरने का स्लिप पेश करना होगा। लेकिन अगर आपके पास जमीन है तो यहाँ पर आपको जमीन बंदी जमा करना होगा। इन दस्तावेजों की आपको यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। और यहीं पर एक और बात कि अगर आप पहले से कहीं पर लोन लिए हुए हैं तो उस लोन का चुकाया होना आवश्यक है। अगर वह लोन चुकाया हुआ नहीं है तो उस लोन का स्टेटमेंट आपको जमा करना होगा। वो देखा जाएगा कि आप लोन समय पर चुका पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, इसका एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड वहां पर आपको जमा करना होगा। अगर चुका दिए हैं तो उसका आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC जमा करना होगा। यहीं पर एक और सबसे बड़ी पॉइंट है कि आपको बस लोन पर लेने के लिए एक गारंटर की जरूरत पड़ेगी। देखिए, गारंटर एक व्यक्ति हो सकता है, आपकी संपत्ति हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, जमीन हो सकती है, आपका बिजनेस हो सकता है, आपका यहीं पर नौकरी हो सकता है। तो देखिए, गारंटर होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि गारंटर जब आप लोन नहीं चुका पाते हैं तो इसका जवाबदारी गारंटर लेता है, वह गारंटर है। तो देखिए, गारंटर का पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ने वाली है। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे की, लोन पर बस लेने का क्या प्रोसेस है, आखिर कैसे लोन पर बस हम लें। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि बस लोन पर लेने के लिए सबसे पहले तो आपको शोरूम में विजिट करना होगा। हम पहले ही आपको बता चुके हैं, विजिट करने के बाद आपको अपनी बस का चुनाव करना होगा। आप कंपनी द्वारा बनी बुनाई बस ले रहे हैं या बॉडी बिल्डर द्वारा बनी बुनाई बस लेंगे, यानी कि चेचिस शोरूम द्वारा लेंगे। तो देखिए, मैं आपको बता, चुनाव करने के बाद आपको शोरूम में ही फाइनेंसर मिल जाएंगे। वहीं पर आपको एक से बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं फाइनेंसर कंपनियां, वो फाइनेंस करने के लिए तैयार होती हैं। तो आप वहां पर भी डायरेक्ट बात करके आप इंटरेस्ट रेट जरूर जान लें कि आप कितने इंटरेस्ट रेट पे आप फाइनेंस करना चाह रहे हैं। दो तीन बड़ी बड़ी कंपनियां यानी कि प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कंपनियों का से आप जाकर चर्चा कर सकते हैं। आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, जल्दबाजी में काम गड़बड़ हो जाता है। इसके बाद जब आप ये तय कर लेते हैं कि आपको कौन से बैंक से लोन लेनी है, प्राइवेट बैंक से या गवर्नमेंट बैंक से, तो बात आती है डॉक्यूमेंट्स की, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है डॉक्यूमेंटों के बारे में। देखिए, अलग अलग राज्यों के ऊपर थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंट्स अलग फर्क हो सकता है, लेकिन सभी राज्यों में लगभग यही डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। देखिए, मेरा सलाह आपसे यही है कि आप लगभग 3 से 4 बैंकों में जाकर पता करें कि इंटरेस्ट रेट क्या है, कितने इंटरेस्ट रेट में आपका बस फाइनेंस कर रहे हैं, कितने साल के लिए कर रहे हैं, मंथली EMI कितनी होगी और कितने सालों के बाद आप पूरी तरीके से EMI भर पाएंगे। आप EMI जो फिक्स करेंगे वो अपने हिसाब से करें, अपने रूट के हिसाब से करें कि हमने इतने महीने में, महीने के अंदर इतना लगभग इतना पैसा कर सकते हैं, ताकि आपकी बस जो है वो खींचा नहीं पाएगी और आप बढ़िया तरीके से अपने बिजनेस को लगातार ग्रोथ लेवल तक पहुंचा पाएंगे। देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह भी है कि क्या हम बस लोन पर ले सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके अंदर जज्बा है, वो जज्बा है कि आप वास्तव में बस बिजनेस शुरू कर सकते हैं, वो स्ट्रॉन्ग प्लान है, जबरदस्त ईमानदारी के साथ काम करने की हिम्मत है, आपका जो प्लान है वो स्ट्रॉन्ग वास्तव में है, तो आप बस बिजनेस वास्तव में शुरू कर सकते हैं। लोन पर लेकर शुरू करें, बेहिचक, बिल्कुल समय ना लगाएं, लेकिन थोड़ी बहुत सोचने का समय अपने आप को जरूर दें। समझें, सोचें और लगातार अपने फील्ड में काम करते हुए एक्सपर्ट बन जाएं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर विस्तार से थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि हमें बस लोन पर लेने के लिए कितनी डाउन पेमेंट करनी होगी, हमें बस खरीदने के लिए कितना शुरुआत में पेमेंट करना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप शोरूम में विजिट करते हैं और आप बस चुनाव करते हैं तो उसके बाद जो अमाउंट फिक्स होती है उसे कोटेशन कहते हैं। जब कोटेशन तैयार होता है तो जितनी भी राशि तय की जाती है उस राशि का लगभग 15-20% आपको शुरुआती डाउन पेमेंट करना होगा, बाकी 80-85% जो है फाइनेंस हो जाता है, लोन पर हो जाता है। लेकिन एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, अगर आपकी बस लगभग 30 लाख की है
तो यहाँ पर आपको लगभग शुरुआत में 5 से 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट करने होंगे, बाकी 25 से 26 लाख रुपए जो है आपके फाइनेंस हो जाएंगे, लोन पर हो जाएंगे। अब हम एक सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि बस लोन पर लेने के लिए हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हमारी उम्र लगभग 21 ईयर प्लस होनी चाहिए, तभी आपको जल्दी और आसानी से बस लोन पर ले सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास ना खुद का बिजनेस है, ना जमीन है, ना जॉब है, लेकिन वो फिर भी बस लोन पर लेकर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो ऐसे में आप ये जान ही रहे हैं कि इनकी जरूरत हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन इनके बिना हम बिजनेस लोन पर लेकर कैसे शुरू करें, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, मैं आपको बहुत ही जल्द वीडियो तैयार करूंगा। लेकिन आपको मेरा एक इंपॉर्टेंट काम करना होगा, इस वीडियो के नीचे लगभग 100 से ऊपर कमेंट्स करने होंगे बस लोन पर लेने से रिलेटेड। इसके अलावा आपको इस वीडियो में 100 लाइक्स करने होंगे। इतनी जल्दी आप इस वीडियो पर 100 लाइक्स 100 कमेंट्स पूरे करेंगे, उतने ही जल्दी आपको बिना बिजनेस, बिना जॉब, बिना जमीन की बस लोन पर कैसे लें, इस पर पूरी डेडिकेटेड के साथ कंप्लीटली वीडियो तैयार करके आप तक पहुंचाई जाएगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके भर दीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल को अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं उस नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।